हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने तीसरे वीडियो में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड है। और दो वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में पहले वो वीडियोस देख लें। ये 100 क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली लाइकली है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो के क्वेश्चंस को भी हम लोग उसी तरह से देखते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अच्छे से देखा था। तो पहला प्रश्न आता है, अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है। इससे आसान प्रश्न आएगा तो आप हंस दीजिएगा एग्जाम में, इससे क्या आसान हो सकता है बताइए। श्रम है सीधा सीधा भाई, आप या तो भूमि, अब भूमि तो आप एकदम से बदल नहीं लोगे, है ना। आपने जो कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, वो भी एकदम से बदल नहीं जाएगी। तो श्रम एक ऐसा साधन होता है, साधन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक इस तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक इस तरह का साधन है जो निश्चित रूप से परिवर्तनशील रहता है, बहुत आसानी से आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। तो पहले का उत्तर हो जाएगा श्रम। पूंजी व तकनीकी, कभी कभी ऐसा होता है जब समय आपके पास बचे तो बाकी आंसर्स को देखकर के आप हंस भी सकते हैं, इसमें नहीं हंस सकते, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिस बिंदु पर कुल उत्पाद अधिकतम होता है सीमांत उत्पाद होगा। आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न भी है। हम लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा हुआ था, किसका ग्राफ पढ़ा हुआ था, कुल उत्पादन का, सीमांत उत्पादन का, औसत उत्पादन का। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह का वक्र जाता है आपका, किसका, टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद का। और इसी में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो कुछ करके गिरता चला जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद से निगेटिव हो जाता है। तो जब निगेटिव हो रहा होता है उसी पॉइंट से पहले जब शून्य होता है उस बिंदु पर ही आपको टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलता है। टोटल प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सीमांत उत्पाद। तो जिस बिंदु पर कुल उत्पाद अधिकतम होगा उस पर सीमांत उत्पाद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और सीधी सी बात है भाई, सीमांत उत्पाद का मतलब क्या हो रहा है कि कुल उत्पाद में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, जुड़ते जुड़ते जब शून्य जुड़ा तभी तो अधिकतम होगा, उसके बाद से फिर तो घटना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, सीमांत उत्पाद था, वो नकारात्मक हो चुका था। ठीक, इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स का स्टडी पैकेज लिया होगा उन लोगों को ये सब मजाक लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी में नहीं को भूल जाते हैं और मार्केट के आकर के खुश हो जाते हैं, उनको दिखेगा अरे एसी वाह ये तो होता ही है, फिर एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी होता है, एएफसी का क्या होता है करो, देखिए इसको भी बना लेते हैं फटाफट, है ना। डिटेल में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई हैं कि ये सारी चीज़ें तो एकदम से देख करके हलवा लगता है, हलवा, ठीक है, हवा से हलवा बन जाता है। कैसे बन जाता है, एसी क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा, ये आपका इस तरह से कुछ कुछ जाता है, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत वक्र कुछ इस तरह से जाता है। और आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व था वो कैसे जाया करता था, वो कुछ कुछ, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं, बहुत तेजी से कॉस्ट बढ़ती है इसकी, फिर आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कुछ कुछ ऐसे करके जाता है, याद आया नहीं याद आया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो कुछ कुछ ऐसे करके जाता है, पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन पास पहुंच नहीं पाता है, पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, पास पहुंचेगा लेकिन टोटल एग्जैक्टली सेम नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है उतना ही गैप यहाँ पर बराबर रहता है। हालांकि अब ये दोनों दूरियां आपको अलग अलग लग रही हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी तो सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जल्दी जल्दी से ये सारे कर्व्स बना दे रहे हैं जो मैंने आपको काफी ठीक से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, ये भी यू शेप्ड है, कुछ यू जैसा बन रहा है कि नहीं, ये भी देखो फैला हुआ यू हो गया, ये भी एक फैला हुआ यू हो गया, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है यानी कि कौन सा वक्र, ये वाला, देखिए सॉरी ये वाला कर्व दिखा, कौन सा, ये औसत स्थिर लागत का, ये कैसा है, ये यू आकृति का नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा पूरी कहानी के बाद, उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इसमें एक बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें कुछ कुछ ऐसी आ रही थी निकल करके जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और ऐसा क्यों होता है इसकी बात हम लोगों ने की थी। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से मान लीजिए जा रहा है, ठीक, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसा होता है कि मैक्सिमम उसी पॉइंट पर हो रहा होता है जहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इसको काटता है, यानी कि औसत उत्पाद वक्र को जिस बिंदु पर अधिकतम होगा उसी पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट वाला जो वक्र है वो काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मैक्सिमा है, मैक्सिमा मतलब क्या, औसत लागत वक्र का जो अधिकतम वाला बिंदु है उसी से होकर के जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु पर एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, लंबी कहानी है जो हम लोगों ने अपने वीडियोस में डिस्कस की हुई है, अगर आपने थर्ड चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा, औसत उत्पाद के समान होता है, बिल्कुल सही, औसत उत्पाद से कम होता है, नहीं, औसत उत्पाद से अधिक होता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो मतलब ही नहीं रहा। तो इसमें ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ए। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं,
औसत लागत वक्र का आकार होता है। भाई ये तो पिछला प्रश्न का रिपीटेशन हो गया एक तरह से। किसका? कौन से पिछले वाले का? इस वाले का। क्या पूछा गया है? औसत लागत वक्र यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, का आकार होता है यू अक्षर जैसा। क्यों? देखो आपने अगर ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर में दो प्रश्न आ जाते हैं जिसमें दोनों में आपको एक का भी आइडिया था तो दोनों से ही करते हो। यहाँ पर दिख रहा है भाई, ये देखो एएफसी जो है वो तो नहीं होता है, यानी कि एसी होता है। एसी का मतलब क्या हुआ? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे? औसत लागत। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? औसत लागत वक्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखते ही देखते इसमें आंखें बंद करके नहीं मारना, आंखें खोल करके मारना। फिर ये क्या है, ये सब कहानी है, इसको पढ़ करके आप हंस सकते हो। क्या लिखा हुआ है? समकोणीय अतिपरवलय जैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ठीक है, एक्स अक्ष की समानांतर रेखा, जैसे कि हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व हुआ करता था। आपको याद है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस लाइन, किसमें? किसमें? जब हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे, हर जगह पर नहीं, ठीक है, किसमें? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। आ रही है बात समझ में? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे गलत हो गए, इसमें उत्तर तो अपना ए हो गया था। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है। भाई जो फर्म है, जो उत्पादक है, वही तो श्रम की मांग करेगा। एकदम सही है, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। इससे पहले वापस चलते हैं, कई लोग होते हैं बहुत ही होशियार, वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ ये तो सही है, सही मांगा, आगे बढ़ गए, ठीक, और उसका उत्तर हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन उपयुक्त सभी है, ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए पूरे प्रश्न को पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा उत्तर क्या, दूसरा ऑप्शन क्या था? श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। ये बात भी सही है, बहुत डायरेक्टली सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी लेबर मानते हैं ना, उसको हम लोग होमोजेनस मानते हैं। होमोजेनस समझते हो क्या होता है? समांगी, एक जैसा, यानी कि चाहे मैं काम करूं, चाहे आप काम करो, चाहे आपकी माताजी काम करें, हम तीनों लोगों का काम एकदम एक जैसा है, ऐसा मान करके चलते हैं। बट रियलिटी ऐसी होती है, हायर लेवल में जब आप जाओगे तो पढ़ोगे, तो श्रम की प्रोडक्टिविटी जो है ना, लेबर की उत्पादकता, वो वैरी करती है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा ऐसे करके डाउट कर सकते हो कि हाँ सही बात तो है, लेकिन एकदम 100% सही नहीं है। फिर मान लीजिए ये तो 100% सही था, इसको आपको लेकर के थोड़ा डाउट हो भी गया। तीसरा क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी के समान होती है। अब श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो क्या हुई? वो एक तरह से जो फर्म है उसके लिए क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मत मानना, लाभ मत मानना, बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि जो फर्म को मिल रहा है किसी लेबर से, वो क्या मिल रही है? उसकी उत्पादकता। और फर्म को देना क्या पड़ रहा है? मजदूरी। यानी कि फर्म के लिए जो मजदूरी है वो लागत है, ठीक है, और लागत के बदले जो उसको उत्पादकता मिल रही है वो क्या हो गया? वही तो फर्म को मिल रहा है। तो जब लागत उसकी उत्पादकता के बराबर होती है तो एक तरह की बात क्या हो गई? एक तरह की बात हो गई मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और ये क्या होती है? ये कौन सी कंडीशन होती है राजा बाबू? ये होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ अधिकतमीकरण की शर्त। और जो फर्म है वो लाभ अधिकतम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ये हमारा फंडामेंटल अजम्पशन है। कहाँ पर फंडामेंटल अजम्पशन है भाई, बताओ कहाँ पर है? ये है किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तो हम बात करते हैं, हमारी बुक का फंडामेंटल अजम्पशन फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि हम लोग किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये सारी कहानी मैंने आपको बताई हुई थी। तो उसका उत्तर क्या हुआ? उत्तर हो गया डी, ठीक है, बिना उत्तर मार करके छोड़ करके चले आओगे तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, उत्पादन का सक्रिय साधन है। फिर से कुछ कुछ वैसा ही जैसा पहला प्रश्न हुआ करता था। पहला प्रश्न क्या था? अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील मतलब इसको आप बदल सकते हो। अच्छा, अल्पकाल क्या होता है? चलो फिर से कहानी आ गई। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है? अल्पकाल मतलब एक दिन, दीर्घकाल मतलब 3 साल, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं। अल्पकाल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आप सारे साधन नहीं बदल सकते, आप मान लीजिए 3 साधन है, भूमि है, पूंजी है और श्रम है, तो हो सकता है आपने श्रम बदल दिया, हो सकता है आपने पूंजी भी बदल दी, लेकिन आप भूमि नहीं बदल पा रहे हो जब तक, तब तक आपका अल्पकाल ही बोला जाएगा, भले ही 10 साल हो जाएं, ठीक है। और हो सकता है आपने एक दिन के अंदर ही सारी चीज़ें बदल दी, तो आपका अल्पकाल एक ही दिन का रहा, ठीक, समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन है अल्पकाल की, वो क्या है?
जिस समय काल में आप उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते उतने टाइम पीरियड को अल्पकाल बोलते हैं। सभी को नहीं कर सकते मतलब जब सभी को किया तभी दीर्घकाल हुआ, समझ में आ रही है बात। अच्छा तो हम लोग वापस पहुंच जाते हैं अपने प्रश्न पे जो अपने को करना है, वो कौन सा प्रश्न था, 27वां। सक्रिय साधन है, पूंजी कहाँ सक्रिय होती है, पड़ी रहती है। नॉट नेसेसरली ट्रू इन ऑल द केसेस, बट हमारे वाले केस में और हायर एजुकेशन में जाओगे तो बहुत स्पेसिफिक केसेस में पूंजी भी चलायमान हो जाती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी उसको इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं जब बहुत बड़ी फर्म होती है। अदरवाइज पूंजी तो पड़ी रहती है, भूमि तो पड़ी ही रहती है, श्रम है बेचारा, जो सक्रिय रहता है, जो एक्टिव रहता है, जो जागा रहता है। तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है। स्थिर लागत का मतलब क्या होता है, जो आपको देनी ही देनी है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। बीमे का प्रीमियम, आपने मशीन खरीद रखी उसका बीमा कराया है, आपने बस खरीद रखी, लॉकडाउन लग गया, बस चल नहीं रही है, लेकिन बीमा तो देना पड़ेगा, तो ये तो आपकी स्थिर लागत हो गई। स्थिर लागत नहीं है पूछा गया, गलत करके मत आ जाना, ठीक है। तो यानी कि ये तो आपका हो गया क्या, ये तो क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिया, ठीक, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, कच्चे माल की लागत। अच्छा अब कच्चा माल आपके हमेशा बराबर ही मंगाते हो, डिपेंड करता है भाई, जिसने ज़्यादा बिक्री हो गई तो आप ज़्यादा मंगा लोगे। जैसे कि भारत में अभी अपने जो वैक्सीन बन रही है, ठीक है, उस वैक्सीन के लिए कच्चे माल की कमी आ रही है जो हमारी मेन कंपनी बना रही थी, और इस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे। कुछ 35 लाख वैक्सीन पर डे बन रही हैं ऐसा मैंने न्यूज़ में एक दो दिन पहले पढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल रहा। तो कच्चा माल क्या फिक्स्ड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कच्चे माल की लागत है ये फिक्स नहीं है, यानी कि बी तो हमें सही लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं, ब्याज। ब्याज किस चीज़ पर, जो भी पूंजी लगाई गई है उस पूंजी पर आप ब्याज देते हो। आपने पूंजी ले ली किसी से, आपने बिजनेस कर रहे हो तो ब्याज तो दोगे ही दोगे ना, तो ब्याज भी एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। नॉट नेसेसरली इन ऑल द केसेस, बट मोस्टली जो हमारे अजम्पशंस हैं, जो हमारी मान्यता है, उसके अंतर्गत आपका जो ब्याज है वो कैसा होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। फैक्ट्री का किराया, चाहे मजदूर आए चाहे ना आए, चाहे हड़ताल हो जाए लॉकडाउन हो जाए, आपको फैक्ट्री किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताइए। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा क्या जो आपको थोड़ा बहुत दिख जा रहा है, क्योंकि मैंने इतनी कलाकारी कर दी यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, आगे चले। इसमें क्या था अपना, कच्चे माल की लागत। अच्छा आगे आ गया 29 क्वेश्चन हमारा है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो, तैयार हो या हो। क्या होता है भाई, जिस मात्रा को कोई भी खरीदने के लिए तैयार रहता है और समर्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोला करते थे, मांग बोलते थे। यहाँ पर बेचने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए, मांग और पूर्ति हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। पूर्ति की लोच मत कर देना, कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ा लिखा हुआ है तो ये सही होगा, ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम है आपको, चलिए अच्छा उनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वस्तु की कीमत को बेची गई मात्रा से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, वस्तु की कीमत, प्राइस। मात्रा मान लीजिए आपने, प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, आप खरीदने के कंपट, कंपट कितने का मिल रहा है, 1 रुपये का एक कंपट है, ठीक है। तो कीमत कितनी होगी आपकी, 1 रुपये, और आपने खरीदे कितने, 10 कंपट, ठीक है। कंपट समझ रहे, बहुत सारे लोग तो इस जनरेशन के कंपट जानते भी नहीं होंगे, तो कितना हो गया, 10 रुपये। ये 10 रुपये कुल मिला के क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू राजा बाबू, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल आगम। अब जिन लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है वो इनको देख लें और वापस से क्वेश्चंस को रिपीट कर लें, उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी काम करो और घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकलना। बहुत सारे यंग लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इन्जॉय करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।